अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का टॉपिक लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। जैसा कि आप सीख चुके हैं कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में और लोरी एंड ब्रॉन्स्टीड कॉन्सेप्ट में कुछ लिमिटेशंस थी, वो सारे कंपाउंड्स के लिए अप्लीकेबल नहीं था, जिसके वजह से जी एन लुईस नामी साइंटिस्ट ने 1923 में अपना कॉन्सेप्ट पेश किया, जो बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल था, जनरल था और तकरीबन तमाम एसिड और बेसिस के ऊपर एप्लीकेबल था। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस मॉलिक्यूलर आयन विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाइल अ बेस इज़ अ सब्सटेंस मॉलिक्यूलर आयन विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी सब्सटेंस से अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है, जबकि बेस वो सब्सटेंस है जो किसी भी कंपाउंड का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखता है। एग्जांपल से हमें इस चीज़ की ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। एग्जांपल नंबर वन है रिएक्शन बिटवीन अमोनिया NH3 एंड बोरोन ट्राईफ्लोराइड BF3। इन्होंने कहा कि जब रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है तो उसके दौरान हम सीखते हैं कि अमोनिया के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जबकि BF3 में जो बोरोन के एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। लेकिन उससे पहले आप देखिए, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और मास नंबर 14 है। इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक इसके पास के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल ऑर्बिट में इसके 5 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने साथ इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनाई, और आपको पता है कि एल ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसकी वजह से जो नाइट्रोजन है इसको 3 इलेक्ट्रॉन इसको रिक्वायर्ड है ताकि इसका ऑक्टेट कम्प्लीट हो जाए। और इसी तरह हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने इसको ये 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया। और इसी हवाले से इन्होंने ये आपको अमोनिया का स्ट्रक्चर दिखाया है कि अमोनिया के आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, और जो हाइड्रोजन है उनके पास भी 1, 1 इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम देखें तो यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी ये अमोनिया के इस फार्मूला में नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है और हाइड्रोजन के उसके डुप्लेट भी कंप्लीट है, और उसके बावजूद अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्स्ट्रा है। इसके बाद जो BF3 है, BF3 में अगर हम देखें, ये देखिए ये बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, मास नंबर 11 है, इसके के ऑर्बिट में 2 और एल ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिखाई है कि इसके एल शेल में ये 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर शेल से निकाल सकता है ईजीली ताकि इसका डुप्लेट जो है वो कम्प्लीट हो जाए। इसी तरह फ्लोरीन का एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एटॉमिक नंबर इसका 9 है, के ऑर्बिट में इसके 2 और एल ऑर्बिट में 7 है, और इधर आप देखिए तो मैंने इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। तो जब इसको सामने रख के हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बोरोन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मैंने आपको दिखाए हैं, यहाँ इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमने इसमें बोरोन में 3 इलेक्ट्रॉन दिखाए, 1, 2 एंड 3। और फ्लोरीन में आपने देख लिया कि इनके आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आप देखिए यहाँ हर जो स्ट्रक्चर है उसके फ्लोरीन के उसमें उन्होंने 7 इलेक्ट्रॉन दिखाए। जब ये सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाते हैं हम देखें तो यहाँ फ्लोरीन के तीनों एटम के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 अपने थे, एक उन्होंने इसका बोरोन का लिया। लेकिन अगर हम इसमें बोरोन को देखें तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जबकि इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और यहाँ अमोनिया के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो जब अब ये अगली डायग्राम पे आइए, तो जब इसके लिए इसमें नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरोन को डोनेट करता है तो अमोनिया लुईस एसिड बन जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट जब करता है BF3 तो ये अमोनिया ये बेस बन जाएगा। लेकिन इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी डोनेशन होती है
तो ये इसकी डोनेशन कंप्लीट नहीं होती, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नाइट्रोजन का हिस्सा भी रहेगा और इसका बोरोन का भी हिस्सा रहेगा, इसलिए ये वाला जो कंपाउंड होता है इसका जो एंड हमारे पास इसका रिजल्ट आता है उसको हम हमेशा स्क्वेयर ब्रैकेट में लिखते हैं, और इस कंपाउंड को हम कहते हैं अडक्ट, ये अडक्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल में बताया कि आधा जो जो केटाइन है इसमें एक केटाइन में इन्होंने बताया कि प्रोटॉन होता है या मेटल आयन एक्ट एज लुईस एसिड। फॉर एग्जांपल आ रिएक्शन बिटवीन एच प्लस एंड अमोनिया वेयर एच प्लस एक्ट एज एन एसिड एंड अमोनिया एक्ट एज अ बेस। इसमें अमोनिया का स्ट्रक्चर मैंने ऊपर आपको सिखा दिया है। अब इधर एच प्लस का स्ट्रक्चर देखिए, ये हाइड्रोजन एटम है, इसको एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर इसका 1 है, ये मैंने नीचे भी लिख दिया। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होते, प्रोटॉन 1 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0। ये इसका स्ट्रक्चर है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर जब ये रेस्ट के फॉर्म में होता है, इसमें एक ही इसका प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन 0, और इसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब हाइड्रोजन एटम अपने आउटर शेल से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, उसमें से रिमूव हो जाएगा, रिमूव किसी और एटम को देगा, तो ये हाइड्रोजन आयन का स्ट्रक्चर होगा। और हाइड्रोजन आयन एच प्लस का अगर आप स्ट्रक्चर देखिए तो इसका के शेल एम्प्टी है, और एम्प्टी के शेल को मुकम्मल करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो अब आप इधर समझिए कि ये एच प्लस जो है ये हाइड्रोजन आयन है जिसका के शेल एम्प्टी है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको इधर से अमोनिया देगा जिसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। जब अमोनिया एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एच प्लस को दे देगा तो ये लुईस एसिड बन जाएगा, एच प्लस जब इसको एक्सेप्ट कर लेगा तो ये लुईस ये बेस बन जाएगा, और इसका एंड रिजल्ट जो होगा, एंड कंपाउंड जो होगा, हमने उसी तरह से उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, साइडों पे इसके ब्रैकेट लगानी है। यहाँ भी इन्होंने जो इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको एक स्मॉल एरो से इसको रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब ये कि इसके दरमियान जो फॉर्मेशन हो रही है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की है, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम ये नाइट्रोजन का भी है और हाइड्रोजन का भी है। इस तरह ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर जो इसका प्लस का साइन था ये हम इधर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिख देंगे, और इधर भी ये जो एंड कंपाउंड हमारे पास आएगा उसको हम अडक्ट कहेंगे। नीचे लिखा हुआ है कि इसका अपना प्रोडक्ट ऑफ एनी लुईस एसिड एंड बेस रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशी कॉल्ड अडक्ट, ये आपने इधर तक लिखना है। ये आपने ऊपर डेफिनेशन लिखनी है, ये दोनों एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल नंबर 2 विद इक्वेशन, और ये अडक्ट की डेफिनेशन। अब इसके बाद आगे इन्होंने थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, वो सिर्फ उसकी रीडिंग अप कर लें तो अच्छा है, लेकिन जहाँ मैं आप निशान लगवाऊंगी उधर से आपने करना है। एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स वाइल बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, दस इन इट इज़ एविडेंट डैट एनी सब्सटेंस विच हैज़ एन अन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज लुईस बेस, यानी जिसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनशेयर होगा एक्स्ट्रा होगा वो लुईस बेस होगा, वाइल अ सब्सटेंस विच हैज़ एन एम्प्टी ऑर्बिटल डेट कैन अकोमोडेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट एज लुईस एसिड, यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को हासिल कर सकता है जिसका एम्प्टी होगा ऑर्बिटल वो लुईस एसिड होगा। ये लुईस एसिड और जो बेस है उसकी एक्स्ट्रा डेफिनेशन है, लेकिन इसी डेफिनेशन को देखते हुए नीचे इन्होंने इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। लुईस एसिड कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो लुईस एसिड के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट एज लुईस एसिड, यानी ये स्पीशीज जो हैं चाहे वो आयन है या कंपाउंड है या मालिक्यूल है, मालिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यानी ऐसे मालिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, जैसे इधर आपने देख लिया BF3 इस ये सेंट्रल एटम है और इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 रिक्वायर्ड है। BF3 AlCl3 और ये सारे कंपाउंड द सेंट्रल एटम हैज़ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड इट, देयर फॉर दिस कैन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। और सेकेंड है सिंपल केटाइन कैन एक्ट एज लुईस एसिड, यानी सिंपल केटाइन जो होंगे कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल केटाइन लुईस एसिड के तौर पे अमल करेंगे। ऑल केटाइन एक्ट एज लुईस एसिड सिंस दे आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, हाउएवर केटाइन सच एज एच प्लस के प्लस एंड सी ए प्लस टू आयंस, बस इधर तक आप इसको निशान लगाइए।
इसी तरह से फिर लुईस बेसिस हैं। अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट एज लुईस बेसिस। नंबर वन, वो जो न्यूट्रल स्पीशीज जिनके पास हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर एक्स्ट्रा होगा, वो लुईस स्पीशीज होंगी। मसलन अमोनिया, ये इन्होंने अमोनिया का फार्मूला दिया है। एमाइंस, ये इन्होंने एमाइंस का फार्मूला दिया। और अल्कोहल्स, ये अल्कोहल का आप देख लीजिए, ये तीनों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा हैं। ये सारे जो हैं लुईस बेस के तौर पर रिएक्ट करते हैं। या फिर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और ए नाइन्स, जो सिंपल ए नाइन्स होंगे, वो भी लुईस बेस के तौर पर एक्ट जो है वो करते हैं। ये देख लीजिए सी एन माइनस और OH-, ये सारे जो हैं लुईस बेस के तौर पे एक्ट जो है वो करते हैं। तो ये सारा सवाल आप लोगों ने, थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा सवाल आप लोगों ने याद करना और लिखना भी है। थैंक यू।